सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हो गया 1 अप्रैल 2019, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। लेटेस्ट और अपडेट आईपीएल न्यूज के लिए एसके न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं आज के इस आईपीएल हाईलाइट के बारे में। चेन्नई सुपर किंग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 12वें सीजन में रविवार को एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेले दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने रोमांचक के नजदीक पहुंचे मुकाबले में राजस्थान को 8 रन से हरा दिया। यह राजस्थान की लगातार तीसरी हार रही। चेन्नई से मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की भी शुरुआत खराब रही और एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स 46 रन 26 गेंद 1 चौका 3 छक्के और अपने अंदाज में चेन्नई को हैरान करने वाले जोफ्रा आर्चर 24 रन 11 गेंद 1 चौका 2 छक्के से मैच में राजस्थान की वापसी करा दी। लेकिन जब ब्रावो के आखिरी ओवर में 12 रन की दरकरार थी तब बेन स्टोक्स पहली ही गेंद पर आउट हो गए और इसी के साथ राजस्थान की उम्मीदें भी खत्म हो गई। आर्चर सहित बाकी बल्लेबाज जरूरी रन नहीं बना सके और राजस्थान के कोटे का 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी।